आदाब, डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि जब बहुत अंधेरे के अंदर आप देखते रहो तो आखिर में आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। दिल्ली में भी एक ऐसी जगह है, भूली भटियारी का महल, पूसा रोड के आखिर, झंडे वालान के नज़दीक और स्प्रिंगडेल स्कूल के बिल्कुल सामने। अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ, पर अगर आप वहाँ जाएंगे और देखते रहेंगे तो आपको दूर एक भूली भटियारी का महल दिखाई देगा। इस महल के बारे में बड़ी विचित्र कथाएं हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि फिरोज शाह जो दिल्ली का बादशाह था, उसने 3 शिकार घर बनाए थे दिल्ली में। एक ये था, एक पीर गैप था और एक मालचा मार्ग पर था। जिन दिनों वो शिकार नहीं करता था फिरोज शाह, उन दिनों इन जगहों को सराय के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इन जगहों पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वरांडे हैं, कमरे हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, उनको ठीक तरह से रखा नहीं गया है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उनका भी ख्याल नहीं किया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इन जगहों को देखने वाली जो एक महिला थी, बू अली भट्टी, उसके नाम से बिगड़ते बिगड़ते इस जगह का नाम भूली भटियारी हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे भूली भटियारी एक रानी थी जो 600 साल पहले, उसका ये महल था, उसकी आत्मा यहाँ रहती है। जो लोग आत्माओं में, प्रेतात्माओं में, जादू टोनों में, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, उनका ये निश्चित मानना है कि यहाँ पे रात्रि को आप नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे। क्यों? कई लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे रात को महिलाओं की और बच्चों के लड़ने की, चिल्लाने की और पिटाई करने की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा एक किंवदंती ये है कि भूरी नाम की एक राजस्थान की बंजारन भटकते भटकते इस जगह आ गई थी और वो भूरी भटियारी जो थी, भटियारी उसकी जाति थी, वो बंजारन जो थी भटियारी थी, उसके नाम से भी इस जगह को माना गया है। पर ये निश्चय है कि कोई भी चौकीदार यहाँ पे जब रखा गया तो उसने 24 घंटे से ज़्यादा यहाँ काम नहीं किया। हम अपने बारे में भी कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जो स्प्रिंग डील्स में पढ़ते थे, कई बार हम लेने गए तो हम जाते नहीं थे। एक बार मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर कुसुम जब वहाँ कार खड़ी कर दी और गलती से अंदर चले गए तो रात को करीब 2 घंटे तक भटकते रहे और रास्ता भटक चुका।